हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ना, वो काफ़ी गर्भवती महिलाओं के क्वेरीज के ऊपर है। भाई, काफ़ी गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं एक बात को लेकर कि बेबी बॉय सिम्टम और बेबी गर्ल सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा सही माने जाते हैं, काफ़ी चर्चित हैं, भाई काफ़ी लोग बताते भी हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि क्या वाकई में ये लक्षण 100% तक वर्क करते हैं या फिर नहीं। आखिर सच्चाई क्या है? ये जो लड़का होने के लक्षण बताए जाते हैं, क्या ये वाकई में सच साबित होते हैं या फिर नहीं? तो भाई, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को तो एंड तक देखना होगा, समझना होगा अच्छे से, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले सिम्टम के बारे में। अब क्या होता है, काफ़ी महिलाओं को प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आने लगती है। अब काफ़ी महिलाओं के साथ क्या होता है, उन्हें शुरुआती महीनों से ही यूरिन प्रॉब्लम होने लगती है। हर 5 से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूरिन प्रॉब्लम होने लगती है। अब काफ़ी महिलाओं के लास्ट टाइम पर होती है, जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पर होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग बताते हैं कि यूरिन से कैसे पता करें बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। और काफ़ी बार आपने ऐसा भी सुना होगा, अगर आपकी यूरिन का कलर डार्क गहरा पीला आ रहा है तो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, ऐसा आपने काफ़ी बार शायद सुना होगा। तो सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर करते हैं कि आखिर इसके रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब यूरिन प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ आपके हार्मोनल बदलाव के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक ये भी बदलाव है यूरिन प्रॉब्लम होना। लेकिन अगर आपको दोस्तों बार बार आ रही है, जलन बिल्कुल नहीं हो रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पानी पीते रहना है। अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा पीला आ रहा है तो दोस्तों पानी की कमी से भी हो सकता है। अगर आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही है, मल्टीविटामिन की टेबलेट वगैरह ले रही है और पानी कम पी रही है तो भी यूरिन का कलर पीला आ सकता है। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको पानी पीते रहना है, 8 से 10 गिलास पानी आपको पीते रहना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी डिलीवरी नजदीक है, क्या होता है जब डिलीवरी नजदीक होती है तब भी आपको यूरिन आने की समस्या होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा निचले हिस्से में दबाव बनता है। जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है, सिर नीचे की तरफ कर लेता है, तो निचले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव बनता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन आने की समस्या हो सकती है डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही। ठीक है, कुछ दिन पहले भी हो सकती है, भाई कुछ घंटे भी पहले हो सकती है। तो डिलीवरी से पहले हो रही है और खुल के यूरिन आ रही है तो समझ लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको घबराने की तब जरूरत है जब आपकी यूरिन में जलन हो, जब आप यूरिन पास करने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, प्राइवेट पार्ट में भी दर्द हो और यूरिन करते टाइम पर भी आपको जलन हो, दर्द हो, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। हो सकता है आपको दोस्तों यूरिन में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ऐसी परेशानी हो रही है। ठीक है, इतना आपका डाउट क्लियर हुआ। अब काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई यूरिन का कलर पीला आएगा तो लड़का होगा, यूरिन का कलर पीला नहीं होगा तो लड़की होगी। अब बार बार यूरिन आ रही है तो भी लड़का होता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरिन से आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। मैंने आपको बताया है ना, रीज़न बताए हैं ना कि ऐसा क्यों होता है। तो होप करते हैं आपके इस टॉपिक पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं दूसरे लक्षण के बारे में बताती हूँ। अब काफ़ी महिलाओं के साथ क्या होता है कि उन्हें सिर दर्द की समस्या होने लगती है प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? भाई, सिर दर्द होने के बहुत सारे रीज़न हैं, हार्मोन्स की वजह से तो ये होता ही है, लेकिन अगर नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का होने लगता है और बंद हो जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी में सिर दर्द हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। अगर आपको भाई पूरी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी जल्दी हेडेक
रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी सिरदर्द बना रहेगा, तो इसका सीधा इफेक्ट, बुरा इफेक्ट आपके बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे के विकास में रुकावट, बाधाएं भी आती हैं। तो भाई क्या होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा सिरदर्द होना एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है, ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी लोग बताते हैं अगर आपको सिरदर्द बना रहता है प्रेगनेंसी में तो लड़का होता है। जब दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर ज़्यादा सिरदर्द हो रहा है तो ये अच्छा नहीं होता है प्रेगनेंसी में, आपको जल्दी से कंसल्ट करना है डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर को दिखाना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको सिरदर्द की समस्या रहती है तो आप तनाव से दूर रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, खुशहाल रहिए। ज़्यादा तनाव लेने से भाई आपको सिर में दर्द तो हो गई, तो आपको टेंशन, आपको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ सब कुछ ठीक हो, आप अपने आप को अच्छा फील करें, आपको ऐसे ही माहौल में रहना है। अगर माहौल ठीक नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आपको बहुत जल्दी हेडेक होने लगता है, भीड़ भाड़ बना रहता है, ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो ऐसे माहौल को आपको छोड़ देना चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है, ऐसे माहौल से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की का कोई भी लक्षण 100% वर्क नहीं करता है। टाइटल थंबनेल देख के आप हमारी वीडियो पे आए हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों अगर हम टाइटल थंबनेल ऐसे नहीं देंगे तो हमारी कोई वीडियो वॉच नहीं करेगा, और टाइटल थंबनेल की वजह से ही मैं आप लोगों को सही जानकारी दे पाती हूँ। अगर मैं टाइटल थंबनेल पे सीधा लिख दूंगी कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नहीं होता है तो कोई हमारी वीडियो वॉच नहीं करेगा, तो इसके लिए बहुत तहे दिल से सॉरी। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई हम आपको एकदम सही जानकारी देते हैं, हम आपको गलत उसमें नहीं रखना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो गलत भी साबित हो जाते हैं, ये बिल्कुल 100% सही मैच नहीं करते हैं, क्योंकि मुझ में ही काफ़ी अपोजिट साबित हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपने मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लड़का लड़की होने का कोई भी लक्षण 100% वर्क नहीं करता है, आप भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा, सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी इन्जॉय करें, अच्छा सोचें और भगवान से प्रे करें, सब कुछ अच्छा होगा, हेल्दी डाइट लें, ठीक है, प्रेगनेंसी पर ज़्यादा ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। टेक केयर एंड बाय बाय।